लगातार विपक्ष इसको लेकर मांग कर रहा है कि कोई ना कोई जांच इसमें जरूर होनी चाहिए। एक फिगर ये भी सामने आया था कि जो बजट जो एलोकेशन हुआ था उस बजट का 20% जो वैल्यू है बजट की वो पिछले 4 दिनों में गायब हो गई है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई चिंता व्यक्त की है ना कोई जांच के आदेश दिए। अब मैं कुमार श्रीकांत के पास जाती हूँ। श्रीकांत जी मुझे बताइए कि अब इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहेंगे, क्या जांच कराना नहीं बनता है, क्या जांच के आदेश सरकार को इस समय नहीं देने चाहिए? जांच तो दूर की बात है, सरकार अब अपनी कन्नी काट रही है बिल्कुल अदानी से, ऐसा लग रहा है कि वो एक पॉलिटिकल अनटचेबल अदानी अब बन गए मोदी जी के लिए। जी जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकार जांच कराएगी तो बहुत बेहतर है और सरकार देर सवेर जांच देगी, पर जांच के आदेश भी देगी, पर समस्या ये है कि क्या उस जांच से संतुष्ट हुआ जा सकता है? तमाम लोग क्या उस जांच जो जांच की मांग कर रहे थे क्या वो अपने कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं अदानी को, क्या वो स्वयं जांच करना चाहते हैं, या सरकार किसी जांच कमेटी को बैठाती है तो उसके द्वारा जो निष्कर्ष आता है उस पर लोगों का भरोसा होगा? क्योंकि जब आप पहले से ही एक आस्पेक्ट अपने दिमाग में लगाए बैठे होते हैं कि फला व्यक्ति या अगला व्यक्ति दोषी है, तो दोष आपके दिमाग में है तो आप कहीं से भी वो साफ सफा निकल जाए, लेकिन आपके दिमाग में, मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, मेरे सामने ही है, मैं देख रहा था 2005 से 2014 तक अडानी साहब का शेयर का भाव तकरीबन 26 से 27 गुना बढ़ा है, ये मेरे पास डाटा भी है इसका। तो ये 2005 से 2014 तक मोदी सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप जब सरकार में नहीं थे तब अडानी के शेयर के भाव आखिर क्यों बढ़ रहे थे, इसका जवाब मुझे लगता है मोदी जी से पूछना चाहिए। दूसरी चीज है, देखिए उद्योगपतियों के अच्छे में तो सर पार्टियां होती है, वो कांग्रेस बीजेपी हो या तमाम तरह की पार्टियां हो, लेकिन जब उद्योगपति फंसते हैं या कहीं किसी चक्रव्यूह में उनको फंसाया जाता है सीधे तौर पर, तो सरकार कहीं ना कहीं या पार्टियां हाथ खींच लेती हैं, अच्छे में तो साथ होती है बुरे में चली जाती है। लेकिन दूसरी चीज मैंने पिछले बार भी बोला था, अदानी जी को फंसाया गया है, मैं सीधे तौर पर इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर देखता हूँ, किसी भी भारतीय उद्योगपति जब वो बहुत बेहतर कर रहा है और बहुत बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है उस वक्त अंतरराष्ट्रीय जो एक तरीके से टूल किट का एक हिस्सा होता है, और फसाद बेटे हिंडनबर्ग को लेकर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उन्होंने किस किस की रिपोर्ट सार्वजनिक की थी और कैसे उन पर यूरोपियन कंट्रीज में केसेस भी चल रहे हैं, और ये भी मैंने बताया था कि किन किन की उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट भी जनरेट करके लोगों के सामने लाए, ताकि मुझे लगता है कि सुपारी किलर से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसमें आदेश देने चाहिए? आखिर ऐसे कौन सा एक ऐसी जो ब्रह्मांड की कौन सी एक कॉन्स्पिरेसी है जो रची गई है, ये तो सरकार को तुरंत सुध लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार का काम सरोकारों को छोड़कर बहुत कुछ होता है, और जब क्योंकि सीधे तौर पर सरकार का उद्योगपति से कोई मतलब नहीं होता भले वो कोई भी सरकार हो, और अगर उसके शेयर गिराए जा रहे हैं या उसके साथ तमाम तरह की इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो सरकार से डिमांड किया जा रहा है ना कि साहब जांच करवाइए, तो सरकार से डिमांड की जाएगी सरकार करवाएगी। दूसरी चीज ये है, क्योंकि जिस जो खुद संदिग्ध है या फिर हिंडनबर्ग जैसी संस्थाएं जो आप जो एक प्रश्न चिन्ह उन पर लगा हुआ है लगातार उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर, तो मुझे लगता है कि उनकी जांच पर तो या उनकी तमाम रिपोर्ट्स पर तो कोई भरोसा ना भारतवासियों को। दूसरी चीज मैं इसमें एक गहरी साजिश की भू देखता हूं, और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे ही देश के उद्योगपतियों को बर्बाद करने के लिए और भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व को क्रॉस करने के लिए या फिर उसे नीचे लाने के लिए इस तरह की अगर लगातार षड्यंत्र होते रहे, षड्यंत्र नहीं कह रहा हूँ, षड्यंत्र कह रहा हूँ,